वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। कैसे हैं आप सब लोग? एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आपके सामने दैट यू कैन नाउ अवेल इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल ऑनलाइन विद जस्ट सिंपल स्टेप्स बिफोर योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। तो ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है क्योंकि यहाँ पर VFS, आपको पता है एक वीज़ा कंपनी है, उसका एक स्पेशल एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुआ है विद द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो आपको पता है VFS के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जैसे VFS थाईलैंड है, एक VFS साउथ कोरिया है, और भी कंट्रीज़ के लिए है, कनाडा, यूरोप, शेंगेन वीज़ाज़ के लिए आप जो है वहाँ जाते हैं, उनके सेंटर्स में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो लाइकवाइज अब आप इंडोनेशिया के केस के अंदर घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट गारंटीज़ योर एंट्री इनटू द कंट्री। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं समझता हूँ। फ्लाइट की बुकिंग्स, होटल की बुकिंग्स आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। सो VFS ग्लोबल हैज स्टार्टेड फास्ट ट्रैक वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस फॉर 75 कंट्रीज़। अब वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर 75 कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर मैंने अभी चेक भी किया था, लिस्ट दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। उसमें काफ़ी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स जो पाकिस्तान से क्वेरीज करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, तो अगर उनको कोई जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, सो लेट मी टेल यू, इन्फॉर्म यू दैट उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम है, और भी रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं, 74 कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो टोटल 75 कंट्रीज़ के लोग इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, जैसे थाईलैंड के केस में ई वीज़ा ऑन अराइवल है, लाइकवाइज ये अब ई वीज़ा ऑन अराइवल ही होगा, कहा जाएगा इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, राइट। तो ई वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है थाईलैंड के केस में, आपको जैसे कई बार डिस्कस किया, हमने वीडियोज़ भी बनाई हैं, कि आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है, पेमेंट कर देते हैं, एक प्री अप्रूवल लेटर मिलता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। मतलब जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा को, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी से और फ़ोन नंबर से। अब उस ईमेल आईडी पे आपको एक प्री अप्रूवल लेटर मिलता है, राइट। वो लेटर लेके आप एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे स्पेशल काउंटर्स बने होते हैं आपके लिए, वहाँ जाके आप अपना जो प्री अप्रूवल लेटर है वो दिखाते हैं, और वीज़ा की स्टैंपिंग आपके पासपोर्ट पे हो जाती है। सो लाइकवाइज इन द केस ऑफ इंडोनेशिया नाउ यू कैन डू द सेम। तो अब मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर समझा देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या, प्रोसेस क्या है इसका। तो पहले आप जाते हैं इनकी एक साइट पर, जो साइट मीडिया में जो आर्टिकल्स नहीं, उसमें जो साइट का लिंक दिया है वो गलत है। तो जो करेक्ट लिंक है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देयर इज़ अ स्लाइट चेंज टू इट, तो आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। वैसे मुझे बहुत इशू आया जब मैंने इसे खोलने की कोशिश की। तो इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने पड़ते हैं इस केस के अंदर? आपको अपनी फ़्लाइट बुकिंग्स और होटल की बुकिंग और पासपोर्ट का बायो पेज और लास्ट पेज होता है, एड्रेस पेज, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। शायद लास्ट पेज नहीं करना पड़ता, बायो पेज, लेकिन हम डेमो देखने जा रहे हैं इसके बाद। अब इसके बाद क्या है कि आपको एक ईमेल आईडी पे जो आप रजिस्टर करते हैं उस पर एक कॉन्फर्मेशन मिलता है कि आपने वीज़ा को अप्लाई किया है, प्री अप्रूवल लेटर मिलता है आपको पेमेंट करने के बाद। और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपके लिए फ़ास्ट ट्रैक सर्विस लेन बनी होगी, वहाँ जाके आपको अपने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करवानी है उस प्री अप्रूवल लेटर को दिखाने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, इनकी VFS की 2 सर्विसेज हैं इसके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप उनकी स्टैंडर्ड सर्विस यूज़ करते हैं, या दूसरी अगर आप एक्सप्रेस सर्विस यूज़ करते हैं। अब ऑफकोर्स जो इनकी सर्विसेज हैं उसके चार्जेस हैं, जो हम स्क्रीन पर भी देखने लगे क्या कॉस्ट बनती है। तो अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस इनकी लेते हैं तो विद इन 72 आवर्स आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी वीज़ा के लिए, ओके। और विद इन 72 आवर्स आपको अप्रूवल आना चाहिए। अगर आप इनकी एक्सप्रेस सर्विस यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि 24 घंटे से पहले या 24 घंटे तक आप वीज़ा एप्लीकेशन को लगा दें, उससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि फिर आपका वीज़ा आने में डिले हो सकता है, ओके। तो मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आप 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोगों ने अप्लाई किया वीज़ा ऑन अराइवल इंडोनेशिया का ऑनलाइन, 3 लोगों का अप्रूव हो गया, एक का नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर क्या है कि आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करते हैं तो अच्छे खासे गैप रखें, जो भी आपकी प्लानिंग है उसके अंदर, ताकि आपको फ़्लाइट मिस होने के चांसेस ना हो, पहली चीज़। और आपका अगर कोई रिजेक्शन आता है किसी फैमिली मेम्बर का, उस केस के अंदर आप उसे हैंडल कर पाएँ, ओके तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सिंगल एंट्री वीज़ा है जो कि टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए है प्योरली, वर्क परमिट होल्डर्स के लिए ये नहीं है, लेट मी क्लियर दैट। काफ़ी लोगों के सवाल भी आते हैं इसके लिए। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो क्या आप वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा ऑन अराइवल इंडोनेशिया का ले सकते हैं? तो लेट मी टेल यू कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी ज़रूरी है, ओके अब मैं आपको लेके चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन माई स्क्रीन, और वहाँ पे आपको लिंक खोल के दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो लिंक अगर आप मीडिया न्यूज़ आर्टिकल्स में देखेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि वो नहीं खुलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं गूगल पेज पे हूँ और जो लिंक है वो है बेसिकली www.indonesiavoa.vfsevisa.id। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज नहीं खुलता है, ये साइट का जो लिंक है बेसिकली गलत है। तो आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली ये www जो है इसे हटाना है। ओके, अब आपका लिंक हुआ http://indonesiavoa.vfsevisa.id। इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज फटाफट से खुल गया। ओके, और यहाँ पे मुझे करना यह है बेसिकली कि 3 टैब्स दिए। पहले देखते हैं हाउ टू अप्लाई, ताकि इसमें आपको मैं प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ बता दूँ। तो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री जो है उसमें लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम नहीं दिखा, लेकिन इंडिया का नाम इसमें डेफिनेटली है। ये देखिए यहाँ पे इंडिया का नाम दिया हुआ है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये कंट्रीज़ हमने देख ली। इसके बाद आपको क्या देखना है, हाउ टू अप्लाई। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 3 या 4 स्टेप्स हैं। पहले तो आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, वीज़ा फीस देंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे फास्ट ट्रैक वीओए रिसीट। ओके, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो बहुत डिटेल में दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी ऑलरेडी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद आप नीचे देखें थोड़ा सा और, तो इनकी जो प्राइसिंग है, जो VFS के चार्जेस, सर्विस चार्जेस है वो दिए हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड वीओए लेते हैं उसकी फ़ीस प्लस VFS ग्लोबल फ़ीस, स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक लेन वीओए फ़ीस है इनकी $35। आपको सबको पता है कि $35 का जो है वीज़ा ऑन अराइवल है इंडोनेशिया के केस में, प्लस इनकी अगर सर्विस चार्जेस की मैं बात करूँ VFS की, तो $30 एक्स्ट्रा है। तो टोटल $60 का खर्चा जो है आपको यहाँ पर पड़ सकता है। और अगर आप स्टैंडर्ड वीओए लेते हैं प्लस VFS की एक्सप्रेस सर्विस लेते हैं, जहाँ पे आपको जो आपका जो वीज़ा है विदिन 24 आवर्स आपको इशू भी हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट ये है कि जो वीओए की कॉस्ट है वो तो $35 ही रहेगी। एक्सप्रेस की जो चार्जेस हैं वो यहाँ बढ़ जाते हैं $92 USD, मतलब कि ये लगभग 6,500 या 7,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने पहले बात की, हाँ, पासपोर्ट बायो पेज आपको लगाना है, रिटर्न फ्लाइट फेयर्स और होटल वाउचर्स लगाने, जो कि मैंडेटरी नहीं है इसके केस में, इन्होंने यहाँ पर लिखा है पेज पर बहुत क्लियरली, लेकिन आप होटल्स बुक कर लें तो अच्छा रहता है। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में सक्सेस रेट उसका काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द EVOA इज यूजली बिटवीन 24 to 72 आवर्स। इफ योर एप्लीकेशन हैज़ एक्सीडेड 5 बिजनेस डेज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ओके, एंड इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द एक्सप्रेस वीजा सर्विस, द EVOA विल बी प्रोसेस्ड विदिन 24 आवर्स। ओके, क्लियर है। ओके, अब चलते हैं और इसका एक डेमो लेते हैं फटाफट से कि किस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी डालना है। मोबाइल नंबर आप इंडिया का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद आप करते हैं साइनअप। तो डिटेल्स भरने के बाद ये नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ पे नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, वीज़ा टाइप आपको क्या चाहिए, 30 डे फास्ट ट्रैक वीओए, पर्पस ऑफ विजिट क्या है आपका। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस हैं, तो आप लेजर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अपने केस में कर रहा हूँ। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे 15 दिन कर लेता हूँ मैं, 30 दिन का लगता है, वैसे 15 दिन मैं चूज़ कर लेता हूँ अपने लिए। यहाँ पे मुझे पासपोर्ट बायो पेज लगाना, तो उसके लिए मैंने कुछ डमी फाइल्स बना के रखी हैं। देखिए मैंने अटैच कर लिया, ये नहीं हुआ अटैच, मुझे दूसरी फाइल लगानी पड़ेगी। खैर, एयर टिकट्स मैंने अपलोड कर ली पहले, और होटल वाउचर भी मैंने यहाँ पे लगा ली, जो कि ऑप्शनल है इनके हिसाब से, लेकिन आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऊपर जाता हूँ, इसको मैं बायो पेज को अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये मुझे शायद सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं। देखिए नहीं जाने दे रहा मुझे आगे, तो मुझे थोड़ा साइज़ इसका चेक करना पड़ेगा। और दूसरी मैं कॉपी लेता हूँ एक। ओके, आई थिंक ये अब चल जाना चाहिए। ओके, हाँ, अब ये एक्सेप्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, सीधा सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद क्या है कि आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भरनी है, तो जो पासपोर्ट पर डिटेल्स हैं एग्जैक्टली वही भरना। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल दिया है, सेक्स मेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी यहाँ पर डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल ली है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जैसे दिल्ली मेरे केस में, और पासपोर्ट नंबर मेरा। डेट ऑफ एक्सपायरी जो है पासपोर्ट की आपको वो भी डालनी पड़ेगी यहाँ पे, कुछ भी डाल लेते हैं अभी। ओके, ये देखिए, प्लेस ऑफ इशू इंडिया, मेरा प्रोफेशन क्या, मैं अदर्स चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो सेव एंड कंटिन्यू। फ्लाइट बुकिंग्स जो है अब आपको यहाँ पे भरनी है, तो फ्लाइट नंबर कुछ भी मैं रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ। डेट ऑफ अराइवल जैसे कि मैं 30 तारीख को जाता हूँ और सुबह 3 बजे लैंड करता हूँ। नीचे दिया है लास्ट प्लेस पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है वाया सिंगापुर और कोलालंपुर तो आप उसका ज़रूर नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। वो आपकी फ़्लाइट के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं, राइट, फ्लाइट को चेक करें। जैसे मैंने सिंगापुर डाला। सेव एंड कॉन्टिन्यू। एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है, अपार्टमेंट होटल है, होटल चूज़ कर लेता हूँ। एड्रेस इन इंडोनेशिया, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल लेता हूँ, एड्रेस जो मेरे पास है अभी मैं उनको समझ में आता है, ठीक है ना। तो देखिए रेजिडेंस और रिलेटिव का भी आप चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, मैं होटल चूज़ करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे आप ये करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। उससे पहले एक्चुअली आपको, अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए तो ऊपर आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। उसकी जो इंडोनेशियन रुपया के अंदर जो कॉस्ट है वो दी है, तो ऐड किया तो आप एक्सप्रेस सर्विस लग गई इसके साथ, राइट। और इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये चेंज नहीं होता, पर नेक्स्ट स्क्रीन पे शायद आपके पास ऑप्शन हो इसको दोबारा हटाने का, बट मैंने आपको दिखा दिया एक्सप्रेस सर्विस का ऑप्शन ऊपर ही दिया हुआ है जो 24 आवर्स के अंदर आपको वीज़ा दे देता है। आई एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यू टू पेमेंट, और पेमेंट गेटवे खुल के आ जाता है। देखते हैं कौन से कार्ड्स जो हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ये देखिए खुल रहा है, कार्ड नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस आपको डालना है। वीज़ा, मास्टर कार्ड, जेसीबी कार्ड सब एक्सेप्टेबल हैं इस केस के अंदर, तो जो भी कार्ड है आपके पास आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो है पूरी एक्सप्रेस सर्विस की कॉस्ट आ रही है इंडोनेशियन रुपया के अंदर, आप देख सकते हैं ऑन द टॉप। तो देयर 20 पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। दैट्स इट गाइस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपडेट आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशखबरी, एक डेवलपमेंट है अपने आप में। हालांकि यहाँ पे आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, बट स्टिल यू आर सेफ बिफोर यू ट्रैवल। आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं कितना आसान आपके लिए हो गया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और लास्ट चीज़ बता दूँ कि जो इनकी साइट है इसके अंदर लिखा है जकार्ता के बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की इंस्टेड ऑफ बाली। तो ये जो ई वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है इसमें ये ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं जकार्ता पे इंस्टेड ऑफ बाली, क्योंकि जो लोग बाली जाना चाहेंगे उनका भी सवाल रहेगा कि क्या वो इसे लेना चाहते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको VFS को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। वैसे आप फॉर्म के अंदर कोई भी एड्रेस इंडोनेशिया का स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, लेकिन फिर भी आप इसकी क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, नॉट ई वीज़ा ऑन अराइवल, इसकी बात नहीं कर रहा, तो आप किसी भी इमिग्रेशन चेक पॉइंट के थ्रू वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं अब इन 2022, चाहे आप बाली जाएं चाहे आप जकार्ता जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाली के केस के अंदर भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप ऐसा है। आप बेटर है कि आप VFS को एक बार जो है कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें, इसकी क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। ओके, सो ऑलरेडी गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय।